सनातन धर्म का उपप्रधान सोनीलाल अपने मीडिया कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रधान जी ने जो 15 अगस्त के दिवस पर जो यहाँ पर जो हमारे धर्म का यानी जो शोषण दिखाया गया, इस पे हमारे प्रधान जी ने बहुत बड़ा आक्रोश दिखाया। मैं प्रधान जी से कहना चाहता हूँ कि आप एक नहीं बल्कि आपके साथ अनेक हैं। यहाँ पाडर में अपने धर्म का पतन कभी होने नहीं देंगे। जब तक हमारी जीवन है हम अपने धर्म को संभाले रखेंगे, इसको बचाए रखेंगे। बात इतनी है कि जो 15 अगस्त का पर्व जो यहाँ पाडर अठोली में मनाया गया था, बहुत अच्छा मनाया गया था। उसमें एक दृश्य जो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ था, जो हमारे देवी देवताओं का शोषण हुआ, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस बात पे कि कुछ चीज़ें गुप्त हैं, गोपनीय हैं, उसको हम ओपन नहीं कर सकते। आप ये भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जो पाडर के अंदर देवी देवताओं की जो धरती है, यहाँ जो चेला बनाए जाते हैं, ये कोई ऑर्डर देकर बनाए नहीं जाते। इनके अंदर एक कोई परम शक्ति आती है जिसके जरिए ये चेला बनते हैं। पुजारी कोई ऑर्डर देकर नहीं बनते हैं, वो पुजारी के अंदर भी एक देव शक्ति आती है जिसके जरिए से वो पुजारी बनते हैं। और उस तरीके से जो उनका नकली चेहरा बना करके किसी बाज़ार में जाकर उसका शोषण करना, किसी बाज़ार का वस्तु बनाना, या किसी ग्राउंड का खेल बनाना, या कोई अपने जर का जरिया बनाना, वो ठीक नहीं। इसलिए मैं हम आज आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है पाडर में है, पाडर में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर अपनी पहलवी दिखाना चाहती है, अपनी संस्कृति दिखाना चाहती है, तो दिखा सकती है। लेकिन किसी धर्म के साथ खिलवाड़ करना, इसका व्यापार करना, इसके लिए सनातन धर्म सभा पाडर कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं हाथ जोड़कर सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि किसी किस्म की आज तक जो हुआ सो हो गया, जो बीत गई सो बीत गई। अगर किसी भाई कोई भी अगर इस किस्म का कोई कोशिश करने की कोशिश करेगा तो हम उसके खिलाफ उठेंगे। भारत हमारा एक महान देश है और ये भारत देश कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे भक्तों ने अपनी जान की आहुति दी है, अपने प्राणों की आहुति दी है। 15 अगस्त के दिन पूरा हिंदुस्तान इस पर्व को मनाता है और मनाना भी चाहिए। हमारे पाडर में हर गांव में मनाते, लेकिन उसमें हमारे सारे बुद्धिजीवी ने देखना चाहिए कि भाई हमारे जिन महापुरुषों ने जिन्होंने अपने जान की बाजी खेलकर गुलामी से छुटकारा पाया है इस देश को, तो हमारे लोगों ने समझना चाहिए कि इस आज़ादी को हम अपने आने वाली पीढ़ी को दिखाएं कि उनका जीवन कैसे भोगा गया, उन्होंने अपने जीवन को कैसे चलाया, किन संघर्षों के साथ चले, वो दिखाना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है उनके अंदर सोच में बैठ जाएगी कि हमें आज़ादी कैसे मिलेगी, हम आगे चलते जाएंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि हम कोई आज आपको धमकी नहीं दे रहे, हम एक आप लोगों को सुझाव दे रहे, पर अगर इस तरीके से अगर दूसरी बार भी अगर कुछ हुआ तो हम दो अपने प्राण देने के लिए भी तैयार होंगे। हम दोनों फकीर हैं, हम अपने धर्म का पतन होने नहीं देंगे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।